तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है इस क्वार्टर में। डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 3,884 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 2,857 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 3,381 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी 13 से 14% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। जितना कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर अपना रेवेन्यू कम किया है, उतना ही कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 3,696 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,772 करोड़, इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3,268 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखे तो इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर और पिछले साल के कंपेयर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 148 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 72 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ के आसपास आ गया। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर वहाँ पर भी हल्की सी 3 से 4% के आसपास की गिरावट है। चलिए कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें 1.44, पिछले साल 0.70, अभी देखते हैं 0.68 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से कम जो देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मनापुरम के भी नंबर आए थे, लेकिन मनापुरम के नंबर बहुत शानदार थे, लेकिन अभी जिस प्रकार के कल्याण ज्वेलर्स ने नंबर दिए हैं वो तो थोड़े से कमजोर साइड पर जाते हुए देखने को मिले। तो मुझे नहीं लगता कि इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है थोड़ी बहुत और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर्स थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहे हैं उम्मीद के मुताबिक। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।